जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल एन अदर डे ब्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी हम लोग आए हैं सोबीस क्योंकि यहाँ के केक आपको पता मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पर जो मैं आई हूँ वो केक लेने के लिए तो मुझे ये था कि आपने लिए नहीं लेना द जाना जा रहा है अपने फ्रेंड के घर लंच पे तो उसको लेना था केक और एक दफ़ा इसके फ्रेंड्स हमारे घर आए थे तो हमने दो तरह के केक बाई किए थे तो उनको एक ही फ्रेश क्रीम का जो फ्री फ्रूट केक होता वो उनको बहुत अच्छा लगा था तो द तो ने बोला अम्मा वही लेके आए मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ आई हूँ वो तो मुझे नज़र आ गया कि यहाँ पर पड़ा हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि द तो को कुछ और ऑप्शंस दिखा देती हूँ कि देख लो कुछ और लेना तो बता दूँ मैंने उसको कब केक्स की पिक्चर्स भेजी मैंने उसको केक्स की पिक्चर भेजी कहते हैं अम्मा लग तो सारे बहुत अच्छे रहे लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सा खाएँगे तो इसलिए हमने वही ख़रीदा जो हमने ख़रीदना था लेकिन मैंने कहा चले आप स्टोर आए हैं तो थोड़ा घूम फिर के देख लेते हैं स्टोर में मैं थोड़ा कम कम ही आती हूँ क्योंकि यहाँ से हमारी एशियन चीज़ें बहुत कम मिलती हैं तो मुझे मेरी प्रेफरेंस होती है मैं ऐसे स्टोर में जाऊँ जहाँ पर मुझे इंडियन या पाकिस्तानी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली मिल जाएँ लेकिन वही वाली बात कि जब मैं किसी स्टोर में जाऊं और वहाँ पे घूम फिर ये तो हो ही नहीं सकता है तो घूमते फिरते साथ में मैं ये भी आपको बता दूँ कि दर जाना के फ्रेंड्स को समर में मैंने एक दो दफ़ा हम लोगों ने घर पे बुलाया था मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि वो बच्चे कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते कि अम्मा ना बनाए मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती ज़्यादातर तो इसलिए मैंने वो व्लॉगिंग नहीं की थी लेकिन मैंने उनको दावतों पर बुलाया था और हम लोग हमेशा दावत करते हैं कोई पॉटलक वगैरह नहीं होता जो यहाँ पर बहुत एक आम चीज़ है कि हर इंसान यहाँ पे आपको ना पॉटलक करता हुआ मिलेगा हर बंदा आपको ये बताएगा कि हमारे घर में पॉट है प्लीज़ आइएगा <laughs> इस तरह की चीज़ें होती है या वन डिश पार्टी उसको बोलते हैं तो हमने अपने घर में कभी भी मैंने ना खुद अपने घर में कभी वन डिश रखी है ना मैंने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए रखी है आप द ने मुझे बोला कि अम्मा मैंने उसके घर जाना है तो मैं क्या लेके जाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा सुन के कि जो चीज़ें हम लोग अपने बच्चों में फ़ीड करना चाह रहे हैं वो फ़ीड हो रही हैं क्योंकि हम जब भी किसी घर में जाते हैं ना तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते तो द जाना कि फ्रेंड्स कभी भी हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ लेके आ रहे क्योंकि बच्चे हैं सारे और बच्चे ऐसी चीज़ें तो नहीं करते लेकिन द ने मुझे खुद बोला कि अम्मा मेरा दिल है मैं लेके जाऊं आप बताएं चॉकलेट्स लेके जाऊं कि केक के लेके जाऊं मैंने कहा जो तुमने लेना है मुझे बता दो मैं तुम्हें ला के दे देती हूं तो फिर हम दोनों ने बात की तो उसने कहा नहीं अम्मा ऐसा करें केक लेके आ जाएं क्योंकि लास्ट टाइम वो आए थे तो उनको अच्छा लगा था केक तो बात वो है कि बच्चों की परवरिश बच्चों की तरबीय करना इतना आसान नहीं होता एंड ट्रस्ट मी पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं और आप लोगों को लगता है कि इतनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं इतनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं और बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रही लेकिन सीरियसली कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से एक चीज़ क्लिक करती है और आप देखते हैं कि आपके बच्चे वो ही कर रहे हैं जो आप उनको सिखा रहे थे सालों साल से सालों साल से कभी वो कहते हैं कि जल्दी अमल कर लेते हैं कभी थोड़ा लेट करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो अपनी बातों को भूल जाएं तो हम जब भी लोग मुझसे कहते हैं कि गुल प्लीज़ आप बताएं कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए आपके बच्चे बड़े वेल मैनर्ड हैं बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं बड़ी रिस्पेक्टफुल हैं आपके बच्चे तो कैसे कैसे आपने इनको ऐसा बनाया तो जनाब ये बच्चे जो है ना किसी के भी बच्चे जो अगर आपको बहुत अच्छे तमीज़दार अगर आपको बच्चे नज़र आते हैं तो ट्रस्ट में कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे उनके पेरेंट्स को उनका क्रेडिट जाता है क्योंकि पेरेंट्स की मेहनत आपको नज़र आती है और मैं अपने बच्चों को जब भी ये घर से निकलते हैं ना स्कूल के लिए फ़्रेंड्स के साथ या कहीं भी जा रहे होते हैं तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि बच्चों जब आप लोग घर से बाहर निकलते हो ना तो आप लोग हमारी हमारी इज़्ज़त को साथ लेके जाते हो और जब लोग आपको देखते हैं ना तो अगर आपकी तारीफ करेंगे तो वो भी वो हमारे पे आती है इनडायरेक्टली और अगर वो आपके किसी बात की बदतरीफी करेंगे या किसी बात पे आपको बुरा भला कहेंगे तो वो बात भी हमारे पे ही आती है क्योंकि हमने आपको समझाया बनाया जो आप हैं हाँ कभी कभी मैंने ऐसे बिल्कुल स्टोरीज़ देखी हैं कि बच्चे जो माँ बाप होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो जाते हैं ये एक वो कहते हैं ना कि एक लंबी बहस होती है कि कहीं पे कमी रह गई या नहीं रह गई या बच्चों में इतना स्पार्क नहीं था तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मुश्किल है उन चीज़ों को डिस्कस करना लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा है कि आपको एज आ पेरेंट बहुत दफ़ा चीज़ें जो है ना वो सिर्फ रिपीट करनी पड़ती हैं आप जैसे वो कहते हैं ना एक टेप रिकॉर्डर में एक चीज़ आप रिकॉर्ड कर दो बार बार सुनाते जाओ सुनाते जाओ बच्चे तंग भी आ जाते हैं कभी कभी कहते हैं अम्मा हमें पता है जब हमें कभी ऐसा होता ना कि मैं बच्चों को बात कहूँ बच्चों ये ऐसा नहीं करना माँ हमें पता है आपने इतनी दफ़ा बताया हमने ये करना है हमने वो कर रहा है हम ये नहीं कर सकते हम वो नहीं कर सकते बच्चे थोड़ा ऐसा करते भी हैं लेकिन फिर भी आप यकीन करें कि मुझे ये बिल्कुल होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ों को रिपीट करें तो जनाब पहले मैंने केक लिया फिर मैं घर गई अब मैंने उर्धर जाना के बाबा ने दर को पिकअप किया और अब हम उसको जा रहे हैं ड्रॉप ऑफ करने उसके फ्रेंड के घर तो ज़रा आपको मैं ना ज़रा बाहर की ड्राइव भी करवाना चाह रही थी जरा आप चेक करें बाहर का मौसम और ये फॉल का जो ये है ना ये चीज़ें इतनी उदास करती हैं सीरियसली बहुत उदास करती है दरख्त देखें बेचारे बिल्कुल गंजे हो गए हैं लाइक इतने हरे भरे इतना सब्ज़ा इतनी खूबसूरती और एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है अभी तो हम लोग इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना खुश हैं कि अभी तक हमारे पास वो ऐसी स्नो नहीं आई एक दो दफ़ा फ्लेरीज हुई हैं लेकिन स्नो नहीं पड़ी है वो ऐसी स्नो नहीं पड़ी जो कि रुक जाए तो हम लोग इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हमें तो लग रहा है हमें बोनस मिल गया और देखें ये बोनस कितना अर्सा और चलता है जैसे मैंने आज ही वेदर चेक किए तो अगले तकरीबन आई थिंक दस पंद्रह दिन तो मुझे लग रहा है वेदर ऐसा ही होगा लेकिन अल्लाह ताला के कामों का कुछ पता नहीं होता ये सारी प्रडिक्शन ये सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे रह जाती हैं और अल्लाह ताला के जो अपने प्लान होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं देखते हैं जनाब कैसा होता है लेकिन ये ज़रा चेक करें हम लोग समर में आए थे तो जाना कि इस घर फ्रेंड के घर एक दफ़ा इसको ड्रॉप ऑफ करने तो ये इतना खूबसूरत व्यू था ग्रीन ट्रीज़ ई ट्रीज क्योंकि ये एरिया बहुत है और इस एरिया में लोगों ने क्या किया हुआ है पुराने घरों को गिरा के उन लोगों ने नए घर बनाया हैं यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी वैरायटी नज़र आएगी कुछ इतने हसीन घर इतने खूबसूरत बिल्कुल न्यू और कुछ इतने पुराने कि जिनको देखो तो आपको लगता है या लोग इसमें रहते कैसे हैं क्योंकि ये एरिया जो है हमारे घर से काफ़ी दूर है हमारे घर का जो एरिया है वो वो नस्बता बहुत ज़्यादा नया है ये एरियाज़ बहुत पुराने हैं लेकिन यहाँ पे अगर देखें जिस तरह इसके फ्रेंड लोगों ने भी शायद इस घर को दोबारा से बनाया और वो काफ़ी ही अच्छा घर है उनका आ, लेकिन बात वही है कि इनकी नेबरहुड में हर तरह के घर नज़र आ रहे थे मैं तो जाना को बोल रही थी मैंने कहा ये एक ही स्ट्रीट में कभी देखना आज से दस बारह साल बाद पंद्रह साल बाद तो मैं नज़र आएगा कि सारे घर रहना जो वो इतने ही हसीन हो गए क्योंकि एक लिमिट होती है यहाँ पर घरों की उसके बाद लोग घरों को गिरा के नया बना लेते हैं तो जनाब द जजाना को हमने ड्रॉप ऑफ़ किया था लंच टाइम पे अब शाम हो चुकी है पाँच बजे का टाइम है लेकिन आपको लग रहा होगा होगा कि आधी रात हो गई है ये आधी रात नहीं है सिर्फ पाँच बजे का टाइम है पाँच साढ़े पाँच बजे द जाना ने बोला था तो अब हम लोग जा रहे हैं उसको पिकअप करने के लिए और यही लाइफ है जनाब अभी हालांकि तो जाना ड्राइव कर लेता है लेकिन हम लोग इसको इतनी दूर जाने के लिए अभी तक इतनी परमिशन नहीं देते हैं कि खुद से गाड़ी लेके चला जाए थोड़ा वो कहता है ना कि हमें थोड़ा वहम होता है कि नहीं अल्लाह इसको खैर से ले जाए तो वैसे भी दे जाना कि बाबा अगर पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो वो प्रेफ़र करते हैं कि चलो मैं बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप दे लूँगा इस तरीके से आप थोड़ा बच्चों को देख भी लेते हैं बच्चे किसके घर जा रहे हैं उनके घरों के माहौल कैसे हैं कैसे बच्चे हैं जिनसे उनका मिलना मिलाना है ये भी एक टिप है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स पे नज़र रखना या उनको देखना कि वो कैसी फैमिली से आ रहे हैं कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं किस तरह की उनकी कंपनी है ये बहुत ज़रूरी होता है और एज़ अ पेरेंट मैं और देजाना कि बाबा हम दोनों तो इस तरह इस चीज़ों पे नजर ज़रूर रखते हैं तो बस है ना आप दे जाना को पिक किया और अब हम आ चुकी हैं घर और आज हम बना रहे हैं जी गोभी गोश्त जी जनाब सदियों के बाद लोग अक्सर सवाल करते हैं कि गुल आपके घर में सब्ज़ी क्यों नहीं बनती आप सब्जी क्यों नहीं बनाती हैं आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते तो जनाब हमारे घर में सब्ज़ी बहुत कम बनती है अब मैंने आज ये गोभी ली छोटी सी मैंने गोभी का फूल लिया और आधा किलो गोश्त है और आई थिंक आधा किलो ही गोभी होगी ये शायद आधा किलो से भी कम होगी बहुत छोटा सा उसका एक फूल था गोभी का ये सिर्फ मैंने और रचाना के बाबा ने खानी है मेरे बच्चे नहीं खाते जनाब ये नहीं कि हमने उनको आदत नहीं डाली लेकिन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मैंने देखा उनको वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं खा लेते हैं लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा नहीं खाते लेकिन हम तो ये इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये गोभी गोश्त तो मैं शायद आई थिंक कोई सात आठ दस महीनों के बाद बना रही हूँ तो ये बनाऊंगी और फिर पराठा भी खाऊंगी इन श्ला देखिएगा इसके साथ मैंने कल सुबह उठ के ना खैर से पराठा बनाना है साथ में आटा भी गूंदना है आटा नहीं गूंदा हो और ये सारे काम मैं दजाना को लाने के बाद कर रही हूँ क्योंकि दजाना को ले हम घर आ गए थे तकरीबन छः सवा छः बजे का टाइम था हम घर आ गए थे और उसके बाद मैंने कहा आराम से भाई टाइम ही टाइम है आठ बजे तक खाना तैयार हो जाएगा ये सारे काम मैंने आके किए क्योंकि आज दिन में मैंने कपड़े आयरन किए इतने ज़्यादा कपड़े थे इतने ज़्यादा कपड़े वो धोबी घाट बना हुआ था मेरा घर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन आप कह लें नाइन्टी परसेंट मैंने सारे कपड़े आयरन कर लिए हैं अब मैंने कल फिर ये अगले वीकेंड की लॉन्ड्रीज करनी है कल मुझे मेरा प्लान है कि मैं जो है ना बेड शीट्स वग़ैरह उनको मैं लॉन्ड्री करूँगी शायद कम्फर्टर्स वग़ैरह भी धो लूँ तो इस तरह से ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं तो मेरे जो दिन के काम है ना वो बढ़ जाते हैं फिर तो आज मैंने कुकिंग दिन में नहीं की आज मैंने दिन के इस हिस्से के लिए रख दी थी कुकिंग ताकि मैं दिन को यूज़ कर लूँ अपने वो काम ख़त्म करने के लिए तो बस जनाब जी यही है जी हमारा आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग और ज़रा गोभी गोश्त की शक्ल चेक करें आए आए कमाल बनी थी अपने मुंह तारीफ़ नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी गोभी गोश्त बहुत अच्छा बना था तो वैसे ना आप जी यही था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा दोनों यार टेक केयर सी अल्लाह